मैच प्रीव्यू। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का 49th मैच आईपीएल 2024 में होने वाला है। ये गेम 1 मई को शाम 7:30 बजे एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराने के बाद फिर जीत की राह पकड़ ली है। ये जीत सीएसके की 9th मैचेस में 5th जीत है, जिससे वो आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर 3rd नंबर पर पहुंच गए हैं। सीएसके को अब सिर्फ 5 मैचेस में 3 जीत चाहिए प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। सीएसके घर पर डोमिनेंट रह चुकी है, इसलिए वो पीवीकेएस के खिलाफ आसान जीत का निशाना बनाएंगे और प्लेऑफ्स को करीब पहुंचाएंगे। वहीं पीवीकेएस ने पहली बार इतिहास बनाया जब उन्होंने पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ जॉनी बैरिस्टो के शतक की मदद से 262 रन चेस किए। पीवीकेएस के पास 9 मैचेस में 3 जीत हैं, इसलिए उन्हें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने की लिए बाकी 5 मैचेस में सब जीतने की जरूरत है। ये एक सभी तरह से रोमांचक टक्कर होने वाली है। चेन्नई वर्सेस पंजाब हेड टू हेड रिकॉर्ड। अभी तक खेले गए 29 मैचेस में से चेन्नई 16 और पंजाब 13 मैचेस जीता है। अब बात करें चेन्नई के प्लेयर्स, तो वो हैं ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा एंड महतीश प्रथिराना। पंजाब के की प्लेयर्स हैं जॉनी बैरिस्टो, प्रभसिमरन सिंह, काइक्सो रबाडा एंड राहुल छाछर। पिच रिपोर्ट। छेपॉक के ग्राउंड इस सीजन में बेहतर रहता है, रन बनाना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन स्पिनर्स की ग्रिप और टर्न मिला है। साथ ही स्टंप्स की लाइन में बॉलिंग करने से बैट्समैन को परेशानी में डाला है। यहाँ पर 180 से 200 रन का स्कोर होना चाहिए। वेदर रिपोर्ट। यहाँ एक गर्म शाम होगी जहाँ टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास होगा। ओश का किरदार हो सकता है और इसलिए सेकेंड नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा हो सकता है, लेकिन ये जीत का वादा नहीं करता। टॉस टू बोल। कैप्टन ने ड्यू फैक्टर को मध्य में रखे हुए बोल करने का चुनाव किया है, लेकिन अगर एक टीम बड़े रन बना देती है तो छेपॉक में चेस करना आसान नहीं होता। फिर भी हमें लगता है कि टॉस जीतने वाले कैप्टन को चेस करना चाहिए। बिना प्रिडिक्शन। एलएसजी के खिलाफ हार सीएसके के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन येलो जर्सी वाली चेन्नई ने दिखाया कि वो कौन है जो अपने डिफेंडिंग चैंपियन होने का सबूत देते हैं। वी प्रिडिक्ट चेन्नई सुपर किंग्स आर गोइंग टू विन।